ढाई साल हमनी के पीछे चल रही बानी अभी के वजह से, एक मतलब ही नहीं कि हमनी के बीच कुछ भी पहले जैसा हो गई। तू जे कैले बड़ू ना हमारे साथ ना, हम भुला नहीं सकत। और ये बात तू हमत भूलैया। अरे दीदी, आप कुछ लेत का है ना बनी, और अब केकर वेट कर रहल बनी? अभी के सोचत बानी कि अभी आ जावे तो खाए शुरू करी। हो गल फिर तो ओकर कनो भरोसा बावे के, पता ना कब आई का, जब तक आप भूखल बैठल रहू। लेट आई तो खाए शुरू कर दे। हाय दादी, नासी, व्हाट्सअप? एला माजी अभी भी आ गई। रॉबिन, खाना दा माजी के? अरे वन सीटिंग हाँ। अच्छा भाई बेटा, बड़ा टाइम पे आइला तू, तोहरा खातिर ही रुकिल रहनी हम। चला खाना खाला। दादी हम एक्चुअली केहू के घर गए रहनी, तो खाना हम उहीं पे खा के आयल बनी। कबाब हमार पसंद के खाना बनी रहनी। और का खाना बनल रहे दादी? उंगली छोड़ के बाकी सब कुछ चाट गेनी हम। केहू के घर पे? अरे माँ जी, हमकी तो लागत रही बाहर खाना खाए गए होगी तो कौनो फाइव स्टार होटल में खा के आयल होगी, पर ये तो कह रहा बा कि उनके घर में खा के आयल है। अरे ताई जी, उधर कौनो फाइव स्टार से कम ना रहे, और वहाँ के लोग भी। और मजे के बात पता बा, सब के सब हमार फैंस। फैन? हाँ, अब दादी एक्चुअली अब कमाल के फैमिली रहे, मतलब सारा लेडीज भरल रहे फैमिली में। और जे माँ रहे ना, का खाना बनावे ली और अपना हाथ से खिलाई ली। उनकर दादी वो तो एक नंबर के रॉकस्टार रहली, कितना कूल रहली, मोबाइल गेम के चैंपियन। और जे बेटी रहे ना, वो एक नंबर के जिद्दी, हमार फैन रहली लेकिन हमरे से लड़त रही। अभी ऐसन कौन से फैमिली से मिलके आये तू, और के रहे वो लोग, का नाम रहे उनका? नाम? अरे यार सॉरी दासी, उनके नाम और नंबर ही तना लेनी, बट नॉट टू वरी, जब अगला बार मिला तो दोनों ही ले ले। चला दासी, दादी, ताई जी, हम ऊपर जात बनी। का बना, बहुत खाना खा चुकल बनी, अब नींद आ रहा बा। हाँ ठीक बा बेटा, जा तू सुत जा जाके। बाय बाय। ला, अभी महारानी आ गई नहीं तक के होके खाना खाए के मन ही ना करे। भाई कहाँ पे बानी? बस अभी आए हो, अपन रूम में होगी। वो खाना खाए ना कहा रहल बानी? आलिया, वो बात ये है कि अभी ना कौनो फैन के घर में खाना खा के आई ला, और वो खाना ओके इतना अच्छा लागल, उतना खुश रहल, खाना के इतना तारीफ करत रहे कि हमके तैसन लागल जैसे दामाद अपन ससुराल में खाना खा के आयल होके। दादी वो एक्चुअली हम एला बोलत रहनी कि अभी बहुत खुश रहे ना, और वो दामाद जब ससुराल में जाला तो ओकरा ला तरह तरह के पकवान बने ले, स्वादिष्ट खाना बने ला, तो हम सिर्फ एग्जाम्पल देत रहनी। एग्जाम्पल देत रहलू कि नमक मिर्ची लगावत रहलू? हाँ आइसन कुछ ना है, वो क्यों के घर कौनो फैमिली के साथ खाना खा के आई है। हम सोच रहल बानी कौनो अच्छा कुक हम नहीं रख ले, जे सिर्फ और सिर्फ अभी के पसंद के ही खाना बनावे। दीदी हम गैसन काहे लग रहल बा, एकरे दिमाग में कुछ और बा, और ये पूछत कुछ और भी है। हमके भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है बा। भाई कहाँ रहला आप? भाई कहाँ रहला आप? भाई! अरे आलिया, तू कब आईलू? हमार छोड़ा और आपन बताई कि आप कब आईला? हम बस थोड़ा देर पहले। ओ रियली? तो तब से लेके आप तक आप कहीं और ही रहला? कब से लेके कब तक? You don't even remember. हम आपके फोन कहीं ले रहनी हमरे साथ पार्टी ज्वाइन करे खातिर। You were supposed to join, और आप आइला ना, और आप उल्टा सीधा घर चले ला। I'm sorry, हम भूल गए नी। हमार
हाउ कुड यू भाई, हाउ कुड यू, हम कितना बार आपके फोन लगवनी लेकिन आप एक बार भी फोन ना उठवला। आई एम सॉरी उकाबा ना के मीटिंग में अटक गए रहनी और ओकरा बाद जब अब ऐसा कौन से मीटिंग हो गए जिनके बारे में हमके ना पता। मीटिंग ना, एक्चुअली हम वहां के ऊपर मिलत रहनी, वहां पे वक्त लग गए और हम फोन के देखल भूल गए। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड दिस। आप कहले रहला कि आप हमसे मिले वो पार्टी में आ रहल बाड़ा, हम आपन सब फ्रेंड्स के बोले रहने कि हमार भाई रॉकस्टार अभिषेक प्रेम मेहरा मिले आ रहल बा, लेकिन आप तक आई एम शो 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 सॉरी। हे वैसे अगर तू चाह तब तू एगो वीडियो बना के अपन दोस्तों के भेज सकेलू, हम वो वीडियो में भी सो 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 सॉरी बोल दे, या फिर एगो बर से पार्टी रखल जाए तू अपन दोस्त के बुलावा, हम वहीं पे सबके सॉरी बोल दे। बात के बाद में देखल जाए भाई, आज के बात करत आनी। जब आप बोलले रहनी कि आप हमसे मिले पार्टी में आ रहल बानी तब काहे ना आइला। डू यू इवन रियलाइज कि हमके कितना एम्बैरेस होके पड़ल हूं सबके सामने। सब लोग हमार मजाक उड़ावत रहले, बोलत रहले कि बहुत बोलू ना आलिया कि ओकर भाई उसे बहुत प्यार करेला, और आप भी बोल लेना भाई कि आपके ला हमार खुशी से ज्यादा कोनो चीज मायने ना रखेला, तब काहे ना आएला भाई। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आलिया तू इतना ओवर रिएक्ट काहे करत हर, कि कोनो पहली बार तो बा ना कि हम बोल के ना आईनी, हाइपर काहे होत बड़ तू, तोहर दोस्त हमरा से बढ़ के बाड़े। हां हमार ओ मतलब ना रहे भाई, हम ही कहे फॉरगेट इट, आप सही बोल रहे बड़ा, हम ही हाइपर होत रहनी। आई एम वेरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, बट भाई व्हाट, आज आपकी रिकॉर्डिंग कैसन रहे, हमके सब कुछ बतावा कि आज आप का कर लेंगे। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। वेल आज के दिन काफी अच्छा रहे, डे वाज ओके, बट हम शाम के तो हम बहुत मजा के लिए, रियली गुड डे, बहुत टाइम बाद आई रियली हैव माय हेड डाउन। रियली? यस। अब का करें, कैसे पूछूं फोटो के बारे में? अब भाई, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर प्लीज? ऑफ कोर्स। आपके फोन मिली हमके, कहा ना हमार फोन गाड़ी में रह गई, एंड आई जस्ट नीड टू सेंड अ टेक्स्ट टू माय फ्रेंड। ओ मैं फेवर कैसे? ऑफ कोर्स तू हमार फोन ले सकेलू, लेकिन फोन बा कहां? फोन कहां बा? इला फोन। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। इमे तो कनो फोटो ही ना बा, लगातार भाई डिलीट कर देले होगी। अब का करी, कैसे पूछी? हो गई। भाई आप हमके बतब लेना कि आज आप कई लेका, यू नो आप इतना खुश बानी, अब कुछ तो स्पेशल कई ले होक बना, कौनो यू नो केहू स्पेशल से मिलल अपन बहन के डिच कई के। अरे कोनो स्पेशल स्पेशल ना, एक्चुअली एगो फैन मिलल रे। फैन? कौन से फैन? बिया कोनो बहुत बड़ फैन, फैन नंबर वन, और मजे के बात तो आई बा कि सिर्फ वो है ना, ओकर पूरा फैमिली हमार फैन बा। फैन नंबर वन के ओके नाम थोड़े ना हो खेला, आई एम श्योर ओकर कोनो नाम तो होगी, राइट? नाम तो होबे करी, बाकी याद नहीं किया आवत। प्रीति? ना प्रीति ना। पायल? ना। प्रज्ञा? हाँ। याद आई, निकिता नाम बाहुकर। निकिता? हाँ निकिता। निकिता? थैंक गॉड। थैंक गॉड कोना खातिर? फोन के कुछ ना भैल नीचे गिरले के बाद और आपके नाम भी याद आ गए, एला एंड वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, दादी कहनी ना काउंट योर ब्लेसिंग्स। थैंक गॉड। या वैसे सच बताई हम एक घर में इतना सारा फैंस ना दिखले बानी, और वो निकिता जोन बना ओकर बात ही अलग बा। ऑब्वियसली ना भाई, अब आप सबसे अलग बनी था, आपके फैन भी सबसे अलग ही होगी। ऑफ कोर्स, सबसे बड़ रॉकस्टार के सबसे बड़ फैन, ट्रू फैन। चलो ये तो कंफर्म हो गए कि भाई प्रज्ञा के साथ ना रहले, बट स्टिल आई नीड टू बी श्योर, कल म्यूजिक कंपनी के ऑफिस जाके चेक करे के होगी।
आलिया, अब हमके बहुत जोर से नींद आ रहा है, हम सूते जा रहा है बानी, कल सवेरे मिलल जाई, ओके? यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। ओहो, लंच बॉक्स के कवर कितना गंदा भइल रहे ना, देख हम साफ कर देनी। एगो काम करा जानकी, तू इमें खाना भर के बाहर रखा, वरना प्रज्ञा ले जाए ही भूल जाए। प्रज्ञा के लंच बॉक्स? हाँ। अरे बहन जी, ओकर तो पैर में चोट आई बा, आप ओके ऑफिस भेज रहल बाड़ू? हम कौने भेजे चाहत बानी, लेकिन उमाने कहा, वैसे भी कहत रहे इतना कम दिन भइल रहे ना नौकरी ज्वाइन कइले, एहिला ओके जाए जरूरी है। हाँ, तो फिर बीजी के बोला ना, वो ओकरा के जाए से रोक सकिनी ऑफिस। हम माजी के भेजनी बानी ओकरे पास, भगवान करे कि माजी के बात मान जावे। अरे सरला, तो फिकर ही ना करा, ओके डांट के हम बैठा देले बानी और साफ कर देले बानी कि खबरदार जे लंगड़ा दफ्तर गयी तू। तो शुक्र है भगवान के, केहूं के तो बात मानल। अरे तो हो बे ही रहे, जब आपके ना चले ले इनके सामने, तब फिर वो तो आपके बेटी बिया। अरे हाँ, ओकरे दफ्तर में कोनो मैनेजर बिया ना, लड़की का नाम है सायरा। हाँ सायरा। ओके, तो फोन करके कह दो कि हमार लड़की ना आई। ठीक बा माजी। अरे जल्दी करा, कहीं उनका रिफोन ना आ जावे पहले। हाँ, मिला रहा अल्बानी माजी, एक सेकंड रुका तो सही। बेल जा रहा है। हेलो। हेलो, हाँ, वो आपके रिसेप्शनिस्ट भी आना, प्रज्ञा, प्रज्ञा अरोड़ा, ओकर माँ बोल रहल बानी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ओ कहा ना, कल ऑफिस से आवत समय ना ओकरे पैर में मोच आ गई बा, सूजन अभी भी बहुत ज्यादा बा, दर्द भी हो रहल बा, यही खातिर आज वो ऑफिस ना पाई। लेकिन आंटी, वो ऐसे लीव ना ले सकेली, वो तो अभी अभी ज्वाइन कर ले बिया, और ऑफिस में इतना सब काम भी हम अकेले हैंडल ना कर सकेले, ओके आवे के ही पड़ी। हमें को काम करता नहीं, हम ओकरे खातिर को गाड़ी भेजवा देता नहीं। अरे अगर आप कार भेजा दे तो हमार बच्ची अपन दर्द भूल के कार में बैठ के ऑफिस आ जाए, ओकर सूजन तो कम ना होगी, ओकर दर्द कम ना होगी, हमके तो समझ में ना आवेला, आजकल केहू की केहू से हमदर्दी रही ना गईल बा। सेहत से बढ़ के कुछ ना होत, अगर आपके चोट लागत हो तो का आप ई हालत में ऑफिस जाई तू? अरे कैसे बोल देलू आप, इतना दर्द में बच्ची ऑफिस जाई, कुछ तो हमदर्दी कैले हो तू, कम से कम इतने पूछ ले तू कि कितना चोट बा, डॉक्टर के पास ले गई लू कि ना, कुछ दवा खाई लू? ना आंटी, हमारे मतलब ना रहे, बहुत काम बा, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। आप प्रज्ञा के कहीं क्यों आराम करे और पूरा तरीका से ठीक होला पे ही ऑफिस आवे। ठीक बा, क्या देब? ओके आंटी। अच्छा, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर, आप आ गए नहीं? अरे हम कहाँ आएलवानी, अभी तो हमार खबर आएल बा। फनी सर, चली रिकॉर्डिंग रूम रेडी बा। ओ, चश्मिश ना आएल? चश्मिश? हाँ, ओ तोहर रिसेप्शनिस्ट? ओ, ओ सर, ओ ना आएल है, ओके चोट लगल है तब? हाँ, पाओ पे पता बा। पता बा तो पूछ लूँ का है? कुछ कहलू तू? नो सर। अब ऐसे खड़ा मत रहा, हम रिकॉर्डिंग खातिर जात बानी, आई नीड माय कॉफी। हाँ? सर, कल वाली कॉफी वो तो सर रिसेप्शनिस्ट बना ले रहे ना, वो हम कैसे बना सकते? आई डोंट नो, हम के जब तक कल वाला कॉफी ना मिली हम रिकॉर्डिंग शुरू ना कर, डू यू गेट दैट? कल वाली कॉफी वो तो, ओ गॉड, अब कल वाला कॉफी कहाँ से लाई? अगर कॉफी ना मिलल तो सर पता ना कहाँ हंगामा करिए। यही से कहत रहनी प्रज्ञा के मम्मी की ओकर हाल बहुत जरूरी है, बट वो तो हमरे पे चिल्लावे लगलन, अब का करी? हाँ, हाँ, के बंद कर। एक मिनट खत्म, तू हमार बात सुन। अच्छा बोली। सारी रात हम के नींद ना आई, वो अभी के आई हमार दिमाग में घूमत रहल, कितना अच्छा लागत रहे ना, हमार दिल कहत रहे हे भगवान जल्दी से ओकर याददाश्त वापस कर दे। माँ जी सच बताई तो एक सेकंड खातिर हमके ऐसे लागत जैसे जैसे सब कुछ याद आ गए, उहे भोलापन, उहे मुस्कान, उहे घुल मिल के रहब, ऐसे लागत रहे की काश ऐसन हो जावे कि ओके सब कुछ याद आ जावे, हमने भी याद आ जावे। तो तू चिंता ना करा, ऐसा नहीं होगी, और तो के पता भी है, अभी के यहाँ आई भगवान के तरफ से इशारा रहे कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होके वाला बा, सब याददाश्त वापस आ जाए।
हेलो आंटी जी, हेलो दादी, कैसन बानी आप? यहाँ कहे आई बड़ू तू, क्या चाहिए तो के? कुछ भी ना, पास से गुजरत रहनी तो हम सोचनी चला माइट एज वेल आपके आपके घर आके आप लोग से मिल लेता नी और देख ली कि आप लोग कैसे जी रहल बानी। हमनी जिंदा बानी और बहुत इज्जत से जी रहल बानी और खुश भी रहनी, लेकिन लागता के ओके बुरा नजर लग गई तोर। पर एक बात सुन ला लिया, हमके बुरा नजर उतार के बाहर फेंके बहुत अच्छा से आवेला। ऐसे पहले कि पूरा मोहल्ला के सामने बुला के हम तहार बेइज्जती करी तो दफा हो जाए यहाँ से। दादी जी, कैसन बात कर रहल बानी आप? आंटी जी समझाई इनके कि घर आये मेहमान के साथ ऐसे बिहेव ना करेला, और तो और हम आपके रिलेटिव। सॉरी, आई मीन एक्स रिलेटिव। तू कोनो मेहमान ना बाड़ू हमराला, अजनबी बाड़ू, और अजनबी लोग के घर में ना घुसावल जाला, उनके घर से बाहर फेंके ले। हाँ लिया, माजी बिल्कुल ठीक है रलवानी, ना तो अरे साथे हमने की कोनो रिश्ता रहल ना बा और ना ही रही। आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कमाल, हमके तो लागत रहे कि भाई की जे यादाश्त खोवे के सदमा बा वो आप लोगन के बहुत ज्यादा लगी, लेकिन एक महीना के अंदर ही आप लोग सब कुछ इतना अच्छा से समझ ले ले। वैसे एक बात तो बताई कि पूरा सदमा आप दोनों ही अच्छा से समझ ले बाड़ू कि आप अपन बेटी की समझ ले बाड़ू? ओके कुछ समझ में आयल बागी ना? काहे की कहा ना ओके बहुत घमंड बाई सब चीज के, हमार प्यार, हमार सुहाग, हमार कुमकुम और ये सब कुछ। वैसे वो बिया कहा नजर ना आ रहा? बिल्कुल ठीक बिया, और अच्छा बात और सामने ना रहा बिया, ताकि तुम्हारा बुरा नजर ओपे ना पड़ जाए। तोके का लागल कि अभी भी वो दुख में होगी, और तोके मतलब भी काबा कि वो खुश बिया के दुखी, वो अपन नया जिंदगी के शुरुआत कर ले ले बिया। ओह, नया जिंदगी के शुरुआत। वैसे आंटी जी, नया जिंदगी के शुरुआत कैसे चल रहा बिया उनकर, मतलब और कौन एंगल में, मतलब वो आपके घर में कुछ काम वगैरह करवा रहा बानी या बाहर कौन जॉब मिल गई बा प्रज्ञा जी की? तो मतलब तू तो भगवान के शुक्र कर कि तू ओकरे सामने ना पड़ल, ना तो तोके उस सबक सिखावत कि तू याद रखती। दादी, आपके एज ला इतना गुस्सा अच्छा बात ना बा, का करल बानी आप? उफ, समझाई ना आंटी जी इनके। वैसे एगो बात तो बताई हमके, आप डरा रहल बानी या फिर कुछ छुपा रहल बानी? का मतलब? का ना, इजंट इट अ लिटिल ऑब्वियस कि जितना बार भी हम प्रज्ञा के बारे में कुछ बात करे नी, उतना बार आप कौनो ना कौनो बात छेड़ के ओके टाल देवे नी या फिर कौनो और बात निकाल देवे नी। तो कहीं ऐसा तो ना बाकी आप अपन बेटी के बारे में कुछ हमसे छिपा रहल बानी, या फिर कहीं ऐसा तो ना कि आप बेटी खुद कुछ ऐसा कर रहल भी जे ओके ना करे के चाहिए? जब हम कह रहल बानी कि वो घर पे बिया तो वो घर पे बिया, तो वो अभी तक बाहर का है ना दादी? कहीं ऐसा तो ना कि आपके प्रज्ञा हमसे डरा ले या हमरे सामने ना विचार दिया? अगर केहू के दिमाग में शक के कीड़ा घुस जावे ना, तो ओके हर चीज में कुछ न कुछ गड़बड़ ही लागे ले। तार शक दूर करेला हम बता देता नी, प्रज्ञा घर में बिया और ए वक्त भी घर में बिया। प्रज्ञा? हाँ दादी। सुन ले लू? वेरी वेल देन, आई लीव। रुका, जब घर में कोनो इंसान आवेला तो हमार घर में ओके भगवान समझल जाला, लेकिन पता ना आज काहे मन कर रहल बा कि ई रीत ही बदल डाली। हाँ, आज तो ओके माफ कर रहल बानी, आगे से याद रखिएगा कि घर के आसपास भी दिखाई देलू ना तो हमसे बुरा केहू ना होगी। हम ना चाहिले कि हमार बेटी पे तोहार परछाई भी पड़े, हमनी जहाँ बानी खुश बानी। हमके भी कोनो शौक ना बा आंटी यहाँ पे आके आप लोगन के हालत देखे के, या फिर आप लोग जी रहल बानी और कैसे जी रहल बानी ई देखे के, लीस्ट इंटरेस्टेड। बट हाँ, एक चीज क्लियर कर देता नहीं कि आज के बाद अगर हमके पता चलल कि आपके बेटी या आप में से केहू हमार लाइफ में इंटरफेयर करे के कोशिश कर रहल बा या फिर हमार भाई के सामने आवे के कोशिश कर रहल बा, तो ट्रस्ट मी, ई जे बुरा नजर के आप बात कर रहल बानी ना, ई आलिया मेहरा इतना गंदा तरीका से आपके ऊपर साया बन के लगी ना कि आप कुछ भी कर लेवे फिर भी ओके हटाना पाइए। थैंक यू सो मच फॉर लवली हॉस्पिटैलिटी।
यहाँ पे तक कुछ भी पता न चले, पर कुछ दबा एंड आई नीड टू फाइंड दैट आउट। लव लाइफ कंपनी के ऑफिस में जाके देखा था नहीं। तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? हम यहाँ पे तो उसे मिले आई बानी। कहा ना, जहाँ तू वहाँ हम। अपन बकवास बंद करा, जे पूछे नहीं हाना ओकर जवाब दे। तू कहीं तू प्रज्ञा दी से मिले तो? रिलैक्स, हम कहनी ना हम तो उसे मिले आई बानी। अब देखा ना, तो के फोन करो तो फोन उठावे लाना, तहरे घर जाता तू मिले लाना। तो हम सोचनी आलिया अगर पूरब अपन मायके में ना तो अपन ससुराल में तो जरूर मिली। एला हम तो उसे मिले आ गई नी, और देखा तू हमके यहाँ मिल भी गई। और तो के लागता कि जे तू बातें बोल रहल बाड़ू ओके हम मानब? हम अच्छा से जानेली कि तू यहाँ का करे आयल बाड़ू और काहे आयल बाड़ू। पर आखिरी बार बोल रहल बानी, दूर रहे इन लोगन, जे चाहत रहे लू मिल गए ना, जे चाहत रहे लू सब हो गए ना, तब काहे परेशान कर रहल बाड़ू इन लोगन के। ओ रियली, अभी तक तो हम कुछ कहनी भी ना पूरब। कहा ना ये फैमिली के साथ है तहार कुछ अलग ही रिश्ता, पर हाँ अगर तहारी रिश्ता ना होता हम बहुत कुछ कर सकते रहे। बेचारा सब ऑलरेडी सर्वाइवल मोड पे बड़े, यू नो जैसे तैसे अपन लाइफ जी रहल बड़े। अगर हम आपन पे आ गई तब प्रज्ञा के साथ साथ ही पूरा खानदान के खत्म कर सकते रहे। लेकिन ना ऐसे डोंट वरी, अभी हमार ध्यान उधर ना बा। फिलहाल तू बतावा, वैसे तू चाहता हमके अपन साथ डेट पे ले जा सकेला? कहा ना बहुत टाइम से हमनी एक दूसरा के साथ टाइम भी स्पेंड ना कहले बानी। या फिर कहीं ऐसा तो ना बाकी तू अपन पूरा लाइफ ही फैमिली के नाम कर देले बड़ा? हाथ छोड़ा। हाँ तो तू हमार छोड़ ले रहला पूरब, हम ही हाथ छोड़े ला ना पकड़ ले बानी। और कहा ना बहुत ही मुश्किल से तू पास आई बार, इतना आसानी से दूर ना जाए दे। हाँ छोड़ा, तू पागल हो गया बाड़ू का? देखा आलिया तो के जे मांगे के बना सोच समझ के मांगी है। कहे कि तू अभी के पास यही से बाड़ू, कहे कि हम तोहसे दूर बानी, कहे कि हम अगर तोहरे पास आ गई नहीं ना तो अभी तोहसे हमेशा ला दूर हो जाए। ये बात तू अच्छा से जाने ली। एक और बात, ये इलाका में शायद तोहार कोनो इज्जत ना होगी, पर हमारी इज्जत पर हमसे जितना हो सके उतना दूर रही। हाँ तू हमार इंसल्ट कर इंसल्ट कर रहल बानी, कहे के सीधा मुंह तो बात तोहके समझ ही ना आवे ना, का पता ऐसे तू हमार बात समझ जा। और तोहके अपन इज्जत का ख्याल ना बा, हमारी इज्जत का ख्याल ना बा, तो कम से कम अपन भाई के रेपुटेशन के तो ख्याल रखा। नाउ जस्ट लीव फ्रॉम हियर। अरे लड़की के तो देखा कैसे ओकरे साथे रोमांस कर रहल बिया। आजकल की लड़की ना शर्म हया नाम की चीजें ना बा। शुरू हो गेल गॉसिप, कोनो काम धंधा ना बा का? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर ना। हमारे इंसल्ट कह के तू अच्छा ना कहला पूरब, और अब तक तू वाकई हमार जिद बन चुकल बाड़ा। एक बार तो के हासिल कर लेना, आई स्वेयर फिर तू हमसे अलग होके खातिर भी गिड़ गिड़ेगा और हम तो के अलग ना होके दे। पता ना कहे माजी, हमके ऐसे लग रहा बा जैसे ओके पता चल गई बा कि अभी यहाँ आए रहे हमनी से मिले। पर ना ऐसे कहे हमनी के खोज खबर ले आवत, ऐसे तो कबू ना करत। वो तो अच्छा भैल माजी हम प्रज्ञा के पेन किलर दे ले रहे और वो पेन किलर खा के सुतत रहे, पर ना अगर वो बाहर आ जाता तब पता ना आज ही घर में हंगामा ही हो जाता। हमके ना लगता सरला की ओके पता भी कि अभी ही आयल रहे। हाँ ये हो सकेला की ओके शक होके, काहे कि अगर ओके पक्का पता हो तो वो लगी ऐसे बात कही के ना चल जात, इतना जलील बिया की हंगामा खड़ा कर दे। माजी पर ये हो सकेला ना कि ओके शक हो गई होके, और ओके शक हो भी गई ना तब वो हमने खाते बहुत परेशानी है। वो तो कबो ना चाहिए कि प्रज्ञा अभी से मिले। देखा ना घर तक पहुंच गई। अरे वो तो हम लोग घर में रहनी तो संभाल लेने, यही तो हो सकेला कि वो प्रज्ञा के ऑफिस पहुंच जावे और ऑफिस में के संभाले, वहाँ तो हंगामा ही कर दे ना। कहत तो तू ठीक है बाड़ू, लेकिन तू फिकर ना करा, हम कुछ सोचता नहीं। हाँ सरला एक बात के ध्यान रखे के बात कि आलिया यहाँ आयल रहे ये बात के प्रज्ञा के पता ना लगे। माँ दादी वो आलिया यहाँ आयल रहे ना, कुछ कुछ कहलक का, बदतमी से बात कहलक, कुछ भी कहलक का, आप हमके बतावा माँ, हम ओके छोड़ब ना, हम अभी ओके हम सबक। अरे बेटा वो यहाँ ये पता करे आयल रहे कि कहीं हम लोग छिप छिप के अभी से मिलल जुलल तना बानी, और जहाँ तक सुनावे के बात है वो तो हम ओके ऐसे सुनवले बानी कि अब वो दोबारा हमार घर के पास भी ना फटके। हाँ दादी हमके भी बाहर मिले रहे और हम भी ओके अच्छा से सुना देनी और समझा देनी की घर में वापस आवे की वो हिम्मत भी ना करे, और अगर दादी वो एक बार फिर से आ गए ना यहाँ घर के आसपास। अरे बेटा तू फिकर ही ना करा,
अच्छा से समझ गई कि ए बार ओकर जे सामना है ना वो हमसे बा, अब ना फटके घर के सामने। और हाँ बेटा, अगर तोहके कुछ मदद करे के बा तो एगो काम कर, जरा जाके तो डॉक्टर के बुला लाओ। डॉक्टर? हाँ। कहेला दादी माँ, डॉक्टर की का जरूरत हो? अरे वो कुछ ना खास, वो कल रात ना हमार प्रज्ञा ना ओकर पैर में मोच आ गई और सूजन भी बहुत ज्यादा बा और दर्द भी हो रहा बा। हम यही खातिर ऑफिस ना जाए देनी ओके? माँ हमके ना यही बात पे गुस्सा आवेला, यही बात पे बुरा लगेला, सब कुछ हमके दादी ही आईले के बाद काहे पता चलेला, हमके कोई कुछ पहले काहे नहीं बतावेला। अरे अभी रात के ही तो चोट लागल रहे, तो कैसे तो के फोन करके बता देती, तो डॉक्टर के बुला लेबा, वो देख ले तो तसल्ली हो जाए। माँ कल रात के भयल हो के या सुबह भयल हो के अगर आप बता देती तो हम रात के ही डॉक्टर लेके आ जाती ना। पर माँ दिव्या कहाँ? अब वो अंदर बिया, वो दवाई दे ले बानी ना इसे, थोड़ा नींद के नशा में बिया। सुना पूरब, ओके मत बताइया कि आलिया यहाँ आई रहे। ठीक बा माँ, हम आलिया वाला कोनो बात ना बताए, पर हमें को काम करता नहीं, डॉक्टर के फोन करके बताओ तानी। दादी आप लोग यही जे बेटी, तब तक दी के ना क्लास लेके आवता नहीं हम। एक बार भाई सेटल हो जावे ओकरे बाद हमार नेक्स्ट टारगेट होगी पूरब, और ओके तो हम ऐसन सेटल करब पूरा दुनिया सेटल हो जाए, पर पता नहीं तनु कब सेटल होगी। आलिया कहाँ बाड़ू तू? उसे कोनो फर्क पड़ेला, जोने कामला तू फोन कैलू हा ऊ बोला। ऐसे क्या बात कर रहल बाड़ू? हम तो ये पूछेला फोन कैनी हा कि तू पता कैलू कि वो पिक्चर इंटरनेट पे, आई मीन वो फैन पेज पे कैसे आई? हम कल पूरा रात न सुतने, हम जैसी आंख बंद करत रहनी वो पिक्चर हमारे आंख के सामने आवत रहे। तू पता कर लो कि वो कैसे आया और के डाला? तनु हम तो के कल भी बोल ले रहनी ना कि वो फोटो के बारे में टेंशन ले, बंद करा। वो कोनो रीसेंट पिक्चर ना हा, वो कोनो पुराना फोटो रहे जे केहू उठा के डाल देलक, और तू ओकरे बारे में सोच सोच के इतना टेंशन ले रहल बाड़ू, रात भर सूतत ना बाड़ू। अच्छा ठीक बा, फोटो के बात छोड़ा, लेकिन हमार सपना के का? हम सपना देखने की अभी प्रज्ञा एक हो गए ले, ओकर का कहीं ऐसा तो ना प्रज्ञा अभी से छिप छिप के मिलत होगी, तू पता कर लू? तनु हम ऊहो पता कही नहीं, हम अभी अभी प्रज्ञा के घर से ही आ रहल बानी, और उ भाई से मिलल भी ना। रिली तू प्रज्ञा के घर गयी लो? कैसे पड़ी हो और का कहलकू? तो ओके बहुत फिकर हो रहल भी होकर। फिकर ना हो रहल, हम सिर्फ जाने चाहता नहीं कि जियत कैसे है। ओ ना मिलल हमके, अपन कमरा में रहे वहाँ बैठत रोवत होगी, और ओकर माँ मिले ना देहलक। काहे ना मिले देलक? अरे काहे कि ऊना चाहत होगी कि वहाँ उनकर बेटी के रोवत धोवत देखी, ऐसे ना मिले देनी। और वैसे भी वो प्रज्ञा के लाइफ में अभी रोवे के अलावा और बचल भी कहा, और जहाँ तक हमके समझ में आयल बा कि वो बहन जी और ओकर फैमिली एक चीज तो समझ गई बानी कि वो ना ही हमनी के लाइफ में इंटरफेयर करे और ना ही हमनी उनके लाइफ में इंटरफेयर करे, ऐसने वो चाहत बानी। अगर ऐसन बात है ना आलिया, तो अभी हमसे मिले काहे ना आए? हम डिस्क में कितना वेट करनी होकर हुआ कि हमार परवाह ही ना होके? तनु तो कितना बड़ा सेल्फिश लेकी बाड़ू ना, आई मीन तो आगे अभी एक पार्टी के पड़ल बा, तू एक बार भी सोच लो कि भाई वहाँ पे काहे ना पहुँच ले। For your kind permission, भाई वो जब पहुँचे ही वाला रहले। लेकिन रास्ता में उनके सरदर्द हो गए, और सरदर्द की वजह से वो बहुत बड़ प्रॉब्लम में फंसे वाला रहले। He was almost about to faint। वो तो अच्छा भाई की वहाँ पे उनका कौनो दोस्त रहे जे उनके वहाँ से उठा के घर पे ले आई, वरना पता ना भाई के साथ का हो जात। Oh my God। और जब तक हम घर पे पहुँचनी भाई ऑलरेडी सूच चुकल रहे। अब तू ही बतावा, तहरला भाई से मिलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका ठीक रहब ज्यादा इम्पोर्टेंट है? I'm really sorry आलिया, हमके ना पता रहे कि अभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो के कैसे पता होगी, अब एकर सपना थोड़े ना आयल तहरा। सॉरी कहनी ना हम, अब ताना मारल बंद करो। ओके फाइन, अच्छा लिसन, अभी हमके ड्राइव कह के ऑफिस जाके बा, ओकरे बाद हम तोसे मिलके तहर प्लान बनाई भाई से तहरे मिले के। डोंट यू वरी ओके? थैंक यू सो मच आलिया, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। लव यू टू, बाय बाय। हम तोरा से काम अगेनी और तू का लेके आवतारू? हां सर कॉफी लेनी है सर। हमके ई वाला ना कल वाला कॉफी चाहिए, और जब तक हमके कल वाला कॉफी ना मिली हम गाना ना रिकॉर्ड ना करब। डू यू गेट दैट सर? ओ हम कैसे बना सकेनी, ओ तो रिसेप्शनिस्ट बनोले रहना, ओ छुट्टी पे हाथ सर। जब तक हमके कल वाला कॉफी ना मिली हमार दिमाग ना काम करी, हमार दिमाग ना काम करी तो हम गाना कैसे गाई? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? फिर चाहे तू रिसेप्शनिस्ट से बनवाओ या प्रोफेशनिस्ट से, आई डोंट केयर, यू गेट माय कॉफी। सर हम कोशिश कर ले रहनी ओके कॉल करे खातिर, पर ओकर फोन स्विच ऑफ जा रहल। फोन स्विच ऑफ जा रहल बना, घर तो स्विच ऑफ नहीं के, जा घर से उठा के लावा। भाई आप इतना गुस्सा काहे हो रहल बड़ा, का हो गई? अरे दिस इज पिग्स मैन, ये कौन कंपनी में तू हमार कॉन्ट्रैक्ट करवाई ले बाड़ू? ये हमार पसंद के हमार कॉफी तक नहीं के मिलत। तू एक काम कर, तू घर से कुक के बुलाओ और टेल हिम कि कुक माय कॉफी।
जब तक हमके कॉफी ना मिली हम गाना रिकॉर्ड ना कर पाई। भाई जस्ट रिलैक्स्ड, काम डाउन। आई प्रॉमिस जैसन कॉफी आपके पसंद बा, हम आपके लिए वैसने कॉफी भिजवाई। ओके जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ओके थैंक गॉड। व्हाट इज रॉन्ग विद यू सायरा? कितना बार तोहके समझावे के पड़ी कि तू भाई के साथ ऐसे डील ना कर सकेलू? ही इज अ रॉक स्टार और तू उनके ऐसन वैसन कॉफी पिला रहल बाड़ू। ना मैम, हम तो बेस्ट कॉफी हाउस से कॉफी मंगवा ले रहनी, पर उनके अच्छा ना लगल। आप एक बार खुद ट्राई करी ना। गिव इट टू मी। कॉफी तो अच्छा बा, फिर भाई ऐसे रिएक्ट काहे कर रहल बाड़ी? एक्चुअली मैम, गलती हमारी है। हम क्यों रिसेप्शनिस्ट से कॉफी बनवावे के ही ना चाहत रहे। सर के इतना अच्छा लगल कि अब उनके ओकर हाथ के कॉफी के अलावा और कुछ चाहिए ना। कौन से रिसेप्शनिस्ट? मैम आजू लीव पे हो। और नाम कहा होकर? प्रज्ञा। प्रज्ञा, तू यहाँ कहे खड़ा बाड़ू? चला ई ना हो सकत। प्रज्ञा यहाँ काम कैसे कर सकेले? ओकर फैमिली भी बतावला कि वो घर पे ही रहेले। फिर ई कौनो और प्रज्ञा भी तो हो सकेले। बाकी सब काम छोड़ा लिया, सबसे पहले ये पता करे के बाकी ई उहे प्रज्ञा बिया की कोई और। ओके लेके हम कौनो चांस ना ले सकत। अभी कैसन फील हो रहल बा? पेन तो ना बा? पेन तो बिल्कुल ना बा डॉक्टर। एक बार खड़ा होके दिखाई। लेट्स सी, पैर पे स्ट्रेस पड़ने से दर्द तो ना हो रहल बा? जी डॉक्टर, खड़ा होके भी पेन ना बा, मतलब हम ठीक हो गए नी? मामूली मोज बिया, सूजन कम हो गई बिया। अब ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाइए। मतलब हम कल से ऑफिस जा सके नी? तू अभी चल जाना, तो सुन लू ना वो का कहले कि 2 दिन और लागी। माँ वो है ता, कल चोट लागल रहे मतलब कल पहला दिन, आज दूसरा दिन और कल ऑफिस जाए वाला दिन। हाँ जा सके नी, पर ई बात के ध्यान करी कि आपके पैर पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ज्यादा चली हाँ मत। हम कहाँ चलब डॉक्टर, हमार तो डेस्क जॉब बा। हम एक ही जगह बैठल रहनी, कुछ चलेली फिरे नी ना। ओह गुड, फिर आप जा सके नी। देख लो माँ, डॉक्टर खुदे कहनी कि हम ऑफिस जा सके नी। और माँ ना, आप हमसे कौनो वादा ना लीजिए, कल हम ऑफिस जाई मतलब जाई। लगता है इनके आपन काम से बहुते प्यार बा, ऐसे ऑफिस के बिना इनकर मन ना लग रल बा। हमनी के अच्छा तरह से पता बा डॉक्टर के एकर मन कहाँ लागेला। डॉक्टर आए हम आपके बाहर तक छोड़ देंगे। ना ना, तू यहाँ बैठ बेटा, सरला हम नहीं छोड़ के आवल जाए। दी पैर में चोट लगल रहे, 2-3 दिन आराम कर ले तू, बाद में चल जाए तू ऑफिस। 1 महीना से घर पे आराम तक करत रहनी पूरब, अब अगर 1 दिन और आराम करब ना तो बोर होके बीमार पड़ जाए। दी आप ऐसे कैसे बोर होखू, और अगर आप घर में बोर हो ही रहल बाड़ू तब तो एको काम करता नहीं, हम आपके कहीं बाहर ले चलत बानी, ठीक बा? कहीं चलल जाए, पर कहाँ चली? अब लंच की टाइम तो निकल गए, कॉफी पे चली? हम आपके को काम करता नहीं, हम आपके कॉफी पे ले चलत बानी और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दे, आपके ज्यादा चले की जरूरत भी ना पड़ी और पैर पे स्ट्रेस भी ना पड़े। चला चलत बानी कॉफी खाते थे। ऐसे हम 2 मिनट में चेंज करता नहीं, तू गाड़ी निकाला ठीक बा? आज मौसम बहुत अच्छा बाना। हाँ दी। और ये कॉफी शॉप ना यो बहुत अच्छा बा, ओपन एयर है ना, अच्छा लागेला। वैसे अगर हम लोग कोनो रेडी पे चाय पिए जाए लेना तब हमके अच्छा ही लागत, खुली हवा में चाय पिए बहुत मजा आवत। दी 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 का बात का, आज आपके सब कुछ अच्छा लग रहल बा, मौसम, कॉफी हाउस, चाय, कॉफी, एवरीथिंग। बात का है, कुछ स्पेशल बा का? ना कुछ स्पेशल ना, ऐसे ही। दी ऐसा कुछ तो बा, मतलब पिछला 1 महीना में इतना कुछ हो गयल, बट हम आपके इतना खुश कबो ना देखे, और बिना कोनो वजह के आप सब कुछ अप्रिशिएट कर रहल बानी, सब कुछ आपके अच्छा लग रहल बा, कुछ तो बा। कोनो बात ना पूरब, कबो को बना हमनी के छोट बात में बड़ खुशी ढूंढ लेवे के चाही, और कबो को बा यूं ही बेवजह खुश हो लेवे के चाही। काहे कि हमनी के खुशी देख के सामने वाला के खुशी मिले ले, और सामने वाला के खुश देख के हमनी खुश हो जाइले, मतलब हमनी के खुशी से ओके खुशी मिले ले, ओकर खुशी। दी हमके ऑनेस्टली कुछ समझ ना आ रहल बा आप का कह रहल बानी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप कोनो वजह लेके खुश बानी, एंड आई होप हमेशा खुश रहा। एक सेकेंड। हेलो। हाँ
कहाँ गई ने? Excuse me, हमरे साथ ये लड़की बैठल रही यहाँ टेबल पे, आप देखे ले कहीं उनके जात? ओ मैडम, तो थोड़ा देर पहले ही बाहर गई ना। ओ थैंक्स।